तो बेटा बेस्ड फॉर्म आपकी कंप्लीट हो गई है, उसके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कराए गए हैं आपको। इसके अलावा टाइम हो तो आप और क्वेश्चन ट्राई कर लेना, जो क्वेश्चन बता दें उनके बेस पे बाकी सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इसके अलावा अब आप आगे रैंडम वेरिएबल पढ़ोगे, तो इसमें क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये बहुत आसान होता है, बेस थ्योरम की तरह जरा भी मुश्किल नहीं है। रैंडम वेरिएबल में बात होती है कि रैंडम वेरिएबल वो फंक्शन है जो इवेंट्स को रिलेट करता है किसी रियल नंबर से। सैंपल स्पेस होगा, उसमें डिफरेंट इवेंट होंगे, इवेंट्स मतलब सैंपल स्पेस के सबसेट। तो डिफरेंट इवेंट को कुछ डिफरेंट रियल नंबर से एसोसिएट करता है, ठीक। जैसे कि ये है, इन टॉसिंग थ्री कॉइन्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेंड, यानी कि तीन कॉइन को टॉस कर रहे हैं और नंबर ऑफ हेड ऑब्टेंड, ये क्या हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल। क्योंकि सबसे पहले तो देखो, तीन कॉइन को टॉस करें हम, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो एक इसके सैंपल स्पेस यानी कि सारे पॉसिबल रिजल्ट। तो देखो, एक रिजल्ट ये हो सकता है क्या कि हेड हेड हेड, यानी कि तीनों कॉइन पे क्या हेड आए, तीनों कॉइन पे क्या हेड, ये एक रिजल्ट हो सकता है, ठीक। ऐसे ही टेल टेल टेल, ये भी एक रिजल्ट हो सकता है, ये एक रिजल्ट है, ये तीन रिजल्ट नहीं है, ये तीनों कॉइन का एक रिजल्ट है, ठीक, एक रिजल्ट। अब हम इसको थोड़ा सिस्टम से लिखते हैं, देखो सिस्टम से कैसे, कि हेड और पहले कॉइन पे क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है। एक कॉइन होता तो ये केस होते, केवल हेड और टेल, लेकिन दो कॉइन है तो अब देखो, हेड पहले कॉइन पे आ रहा है तो उसके साथ में दूसरे कॉइन पे टेल आ सकता है, और दूसरे कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड के साथ टेल, हेड के साथ हेड भी आ सकता है, पहले कॉइन पे तो हेड 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 टेल, इसी तरह से टेल के साथ दूसरे कॉइन पे हेड आ सकता है, और दूसरे कॉइन पे क्या आ सकता है, टेल के साथ, दूसरे कॉइन पे टेल के साथ टेल भी आ सकता है, ठीक। इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब हमें कितने, अगर दो कॉइन होते तो यही चार रिजल्ट पॉसिबल होते, हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब तीन है कॉइन, तो अब और सिस्टम से लिखते हैं कि देखो, हेड हेड के साथ हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। अब यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, हेड हेड यही वाला है, इस पर टेल आ रहा है, पहले इधर हेड लिख लेते हैं, हेड 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 और हेड हेड क्या टेल, ठीक। ये दोनों फर्स्ट दोनों कॉइन पे हेड हेड, फिर उसके बाद हेड टेल, ये वाला केस हो गया हेड टेल। तो हेड टेल के साथ देखो क्या आ सकता है, थर्ड कॉइन पे हेड आ सकता है, पहले दोनों कॉइन पे हेड टेल, फिर हेड टेल पहले दोनों कॉइन पे लेकिन थर्ड कॉइन पे टेल, ठीक है। इसी तरह से टेल हेड, फर्स्ट कॉइन पे टेल, सेकंड पे हेड, तो टेल हेड के लिए इस पे क्या आ सकता है, थर्ड कॉइन पे हेड आ सकता है, और टेल हेड के लिए थर्ड कॉइन पे भी क्या आ सकता है, टेल हेड के लिए थर्ड कॉइन पे भी टेल आ सकता है। टेल टेल के लिए, अब पहले दोनों कॉइन पे टेल टेल है तो टेल टेल और थर्ड कॉइन पे हेड आ सकता है इसके साथ, और टेल टेल के साथ, टेल टेल के साथ थर्ड कॉइन पे भी टेल आ सकता है, ये ठीक। तो ये टोटल इसमें एट एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यानी कि यही सारी पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल रिजल्ट हो गए। अब रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेंड, तो हेड ऐसा भी हो सकता है, देखो ये टेल 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 आ जाए तो कोई भी हेड ना हो। तो एक तो रैंडम वेरिएबल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, और एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड 0 हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेड 0 हो गए तो 0 हेड के लिए इवेंट क्या होगा, टेल टेल टेल, ये वाला इवेंट, केवल एक ही रिजल्ट होगा इस इवेंट में। लेकिन नंबर ऑफ हेड 1 एक हो अगर नंबर ऑफ हेड, तो उसके लिए इवेंट क्या होगा, उसके लिए इवेंट होगा, देखो इसमें एक हेड आ रहा है, फिर फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे हेड, थर्ड कॉइन पे हेड, एक ही हेड है, ठीक। तो ये तीन रिजल्ट का जो इवेंट होगा वो x=1 से, रैंडम वेरिएबल 1 से
एसोसिएट हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू के लिए इवेंट, इसी तरह से ये बनेगा जिसमें दो हेड है, देखो इन दोनों स्थितियों में दो हेड है, और एक्स इक्वल टू थ्री यानी कि नंबर ऑफ हेड थ्री है तो उसके लिए इवेंट है एक ही रिजल्ट होगा। और इसके बाद ऐसा करने के बाद ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन है ये फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन थ्री टॉस ऑफ ए फेयर कॉइन, यानी कि एक ही कॉइन के तीन टॉस किए जा रहे हैं। खैर उसमें इसका कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। हाँ मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया था, पर मैंने कहा एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हो जाए तो सही रहेगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 571 पेज पे है। तो एक्स इक्वल टू टू, हाँ ये अब ये सब बनाने के बाद में हम क्या बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज को लिख लेते हैं 0 1 2 3, एक्स की तीन ही चार पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3, कोई भी हेड ना आए, एक हेड आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकते हैं, तो तीन कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो तीन से ज़्यादा हेड तो आ नहीं सकते, वही बात है। बस तो ये रैंडम वेरिएबल 0 से शुरू होकर 3 तक जाएगा, वेरिएबल वेरी करेगा 0 से 3 तक, ठीक। तो इसके 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कोई हेड ना है, तो इस इवेंट, इसके लिए इवेंट यू हो गया, इवेंट में कितने रिजल्ट हैं, एक रिजल्ट है और सैंपल स्पेस में रिजल्ट है 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। इसी तरह से 1 की 3 तीन रिजल्ट है, 3/8, 2 के लिए भी, 2 के लिए भी कितने, एक्स इक्वल टू 2 के लिए ये है, वो 2 नहीं है, एक्स इक्वल टू 2 के लिए ये 3/8 और 3 के लिए 1/8, ठीक। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई। अब इसमें एक और चीज है, रैंडम वेरिएबल है x, एक रैंडम वेरिएबल है, ये प्रूव करो। तो ये प्रूव करो तो रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम सिग्मा pi यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे देखो 1/8 3/8 इन सबको हम ऐड करेंगे तो 8/8 1 आ जाएगा, यानी कि इससे ये भी प्रूव होता है कि ये रैंडम वेरिएबल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांसेस कम है, लेकिन ये ऐसे पूछते हैं क्या कि मीन बताओ इस के लिए, इस रैंडम वेरिएबल के लिए मीन बताओ। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे, मीन का फॉर्मूला याद कर लो, मीन का फॉर्मूला म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को, एक्सपेक्टेशन ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स और मीन म्यू, बिल्कुल दोनों का सेम ही फॉर्मूला है, टर्म अलग अलग है, अलग अलग नाम है, लेकिन दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। और ये होगा कितना, सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई, कितना होगा, सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई, एक्स आई बेटा ये है, पी आई ये है, यानी कि ये जीरो के लिए एक्स आई ये है, पी आई ये है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एक्स आई और पी आई का क्या, एक्स आई और पी आई का प्रोडक्ट। एक्स आई क्या होता है, रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसकी जो डिफरेंट वैल्यू होगी वो एक्स आई, एक्स आई इक्वल टू ये क्या है, यहाँ पे जीरो के लिए एक्स आई, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एक्स आई 1 है, यहाँ पे एक्स आई 2 है, आई की वैल्यू बदल रही है, एक्स आई 3 है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ये है, तो इनकी एक्स आई और करस्पॉन्डिंग एक्स आई और पी आई का प्रोडक्ट का सम, यानी कि एक्स आई और पी आई का इंटू करेंगे, यानी कि ये इंटू ये जीरो हो गया, दिस इंटू दिस 3/8, दिस इंटू दिस 6/8 और दिस इंटू दिस, यानी कि ये एक्स आई इंटू पी आई हो गया, एक्स आई इंटू पी आई, और एक्स आई इंटू पी आई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबको सम करेंगे 3/12/8 3/2 यानी कि 1.5, ये मीन आ गया यहाँ पे 1.5, ठीक। अब इसमें आगे और पूछते हैं क्वेश्चन में, तो वो फॉर्मूले, वो एक फॉर्मूला और है, वो भी अभी इसी में बता देता हूँ, ठीक। तो उसके लिए क्या है कि ये मिटा देता हूँ, ठीक है, हाँ नोट करना है तो नोट कर लो, मिटा रहा हूं। अगर वेरिएंस ऑफ एक्स को डिनोट कैसे करेंगे, वेरिएंस एक्स
और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस इसका सिग्मा, यानी कि एक्स आई पी आई, एक्स आई का जैसे ये एक्स आई है इसके लिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इसमें 3 अपॉन 8 का इंटू करेंगे, फिर इसमें 9 और 1 अपॉन 8 का इंटू, यानी कि प्रोबेबिलिटी का सिंपल लेकिन एक्स आई को स्क्वायर करके इंटू करेंगे और उन सबको क्या करेंगे हम सम करेंगे, सिग्मा में सम करेंगे, माइनस एक्स आई इंटू पी आई का सिग्मा, ये जो भी निकाला था क्या एक्स आई इंटू पी आई का सिग्मा, और इसका क्या होल स्क्वायर, बहुत आसान फॉर्मूला है होल स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये तो इसको एक्सपेक्टेशन ई एक्स का स्क्वायर, ऐसे एक्स ले रहे थे जब हम सिंपल एक्स ले रहे थे, ध्यान दो सिंपल एक्स ले रहे थे तब एक्स आई का इंटू कर रहे थे, जब एक्स स्क्वायर लेंगे तो एक्स आई का स्क्वायर का इंटू करेंगे, माइनस जो एक्सपेक्टेशन अभी हमने ई एक्स निकाला ना ये वही है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, जैसे कि हमने इसकी वैल्यू भी 1.5 निकाली तो यहाँ 1.5 का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसके लिए आपको वेरिएंस के लिए क्या चाहिए एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, तो हम ये निकाल लेते हैं एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, तो सबसे पहले ये एक्स आई जीरो हो जाएगा, पी आई 1/8 हो जाएगा, यानी कि वो तो जीरो ही हो जाएगा पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए ये एक्स आई 1 है और पी आई 3/8 है, यानी कि 1 × 3/8, ठीक। नेक्स्ट में ये एक्स आई कितना हो जाएगा 4 × 3/8, एक्स आई का स्क्वायर किया यहाँ पे सिंपल 2 × 3/8 यानी कि 6/8 था, अब यहाँ पे इसके लिए करस्पॉन्डिंग टर्म प्लस 9 × 1/8, 3 का स्क्वायर 9 upon 8 यानी कि 8 × 3 और ये 12 + 9 + 9 = 21 + 3 = 24, कितना हुआ 24/8 जो कितना हो गया 3, तो वेरिएंस क्या आ गया वेरिएंस आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ये इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, तो ये 3 माइनस एक्स आई इंटू पी आई, इसकी वैल्यू एक्स आई इंटू पी आई यानी कि एक्सपेक्टेशन कितना आया था 1.5, ये 1.5 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे 3 − 2.25 यानी कि 0.75, 3 − 2.25 यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.75 वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला और है स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा से दिखाते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी करना नहीं है, वेरिएंस ही निकाल लेना और वेरिएंस का क्या कर देना अंडर रूट ले लेना, यानी कि यहाँ पे 0.75 का क्या जाएगा 0.75 का रूट, ठीक है, उसका रूट निकाल के लिख देना, ये हो गया। तो ये इसके आगे रैंडम वेरिएबल के ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो। तो फॉर्मूले जो याद करने हैं वो एक तो ये है फॉर्मूला वेरिएंस का, इसको याद करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है एक्सपेक्टेशन का, मीन और एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक इसको याद करना है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या है, ये इसमें पूरा आ गया है। तो एक क्वेश्चन, अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे अभी, ठीक, इसको नोट कर लो। तो अब देखो रैंडम वेरिएबल के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है वही एग्जांपल नंबर 27 है, थोड़ा फर्क है कि इसमें आगे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है और वेरिएंस भी पूछा है, उसमें केवल एक्सपेक्टेशन पूछा है, दोनों में फर्क है लेकिन टेबल दोनों का बिल्कुल एक सा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30, लेट एक्स डिनोट्स द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, जबकि एग्जांपल नंबर 27 में पूछा है
केवल एक्सपेक्टेशन। ठीक, क्वेश्चन सेम है तो इसके लिए देखते हैं हम। तो देखो दो डाई को क्या किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है और रैंडम वेरिएबल क्या है, सम ऑफ द नंबर अपीयर ऑन द टू डाई। दो डाई पे, एक डाई पे मान लो 4 आ गया और दूसरी डाई पे आ गया 5, तो सम कितना हो गया हमारा 9। ठीक, तो अब हम ये 9 जैसे सम है तो कैसे आ सकता है, तो इसको थोड़ा आप सिस्टम से लिखोगे। जैसे सबसे बड़ा नंबर होता है 6, ठीक, तो 6 आ सकता है 9 के, उसमें 9 के सम में एक 6 आ सकता है, तो 6 3। अब 6 को थोड़ा नीचे ले जाते हैं, यानी कि अगले नंबर, अगर 6 से छोटा नंबर क्या होगा 5, तो 5 के साथ 4 आएगा और फिर 5 को और करते हैं तो 4 5, ठीक है, फिर 4 को और डाउन करते हैं 3 6, मीन्स ये क्या हो गया, ये 4 तरीके हो गए, 1 2 3 4। अब ये पहचान कैसे, 6 से शुरू किया आपने, पहले नंबर 6 था दूसरा 3 था, अब यहाँ पे 3 6, इसका रिवर्स हो गया, यानी कि ये सारे आ गए। आप अगर इसको फर्स्ट नंबर को 1 डिक्रीज कर रहे हो, सेकंड नंबर को 1 इंक्रीज कर रहे हो, तो अपने आप ही पलट के दूसरा नंबर आ जाए, तो समझ लो ये इसके 4 तरीके हो गए, तो 9 के कितने, 4 तरीके हो गए। और दो डाई को अगर रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है, वो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था, सैंपल स्पेस होगा इसमें 36, इस तरह के 36 एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में, उसमें से ये 4 एलिमेंट ये हैं, किसके लिए, जो सम 9 दे रहे हैं, यानी कि इसके लिए हम 4/36 लिखेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी लिखेंगे, इवेंट तो इसके लिए 4 हो गई है और 36 सैंपल स्पेस है, लेकिन अभी इसको देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाने के लिए ये जो कंडीशन 2 के लिए होगी वही 12 के लिए होगी, क्योंकि 2 कैसे आ सकता है, 1 और 1 केवल एक केस, और 12 के लिए भी केवल एक केस, तो हम ये 1/36 और 1/36, 12 के लिए भी केवल एक केस होगा 6 और 6 पहली डाई पर 6 दूसरी डाई पर 6, और कोई दूसरा केस नहीं होगा। अब 3 के लिए, 3 के लिए देखोगे तो ये कितना होगा, 3 के लिए 3 तो आ नहीं सकता, सम है 2 और 1, और अब इसको 2 को एक डिक्रीज करो 1 2, यानी कि इसका रिवर्स आ गया, बस यही दो केस हो गए, तो ये 2/36। तो ठीक इसी तरह से इसके लिए भी 2/36 लिखोगे आप, ठीक, ये आ गया आपका। फिर 4 के लिए 3/36, 1 2 3 4, इधर भी 3/36, 10 के लिए भी वही सिचुएशन होगी, सिमेट्रिकल बीच में 7 को छोड़ के बाकी सबके लिए सिमेट्रिकल सिचुएशन होगी। 5 के लिए 4/36, इधर 9 के लिए 4/36, अब 6 के लिए 5/36 और 8 के लिए 5/36, 7 के लिए 6/36। अब ये 6/36 ही लेना, ये ऐसा नहीं कहते काट दिया इसको, इसको कैंसिल नहीं करना है, ठीक। अब ये जरा 7 को देखो, 7 एक बीच में आ रहा है, बीच में 7 आ रहा है, तो इसके लिए देखो 7 के लिए क्या हो सकता है, 6 1, ठीक है, और डिक्रीज करोगे 5 2, और डिक्रीज किया 5 से 4 3 3 4, फर्स्ट डाई पे 3, सेकंड पे 4 3 4, और इधर लिखता हूँ 2 5, और 2 को और डिक्रीज करेंगे 1 6, देखो 6 1 से 1 6 तक आ गए, 1 2 3 4 5 6, इसके लिए केस कितने हो गए, 6 फेवरेबल केस हो गए, टोटल केस 36 है। अब इन सबका सम भी करें अगर हम, तो कितना आएगा, 36 आना चाहिए, तो इसको छोड़ दो, ये सब डबल डबल है, तो ये 5 10, 5+5 इधर 10, 10+8 18, +6 18+6 हो गया 22+4 28 plus 2 30 plus 6 36, ये केवल एक बार है, बाकी सब का डबल करके आप ऐड कर दो, क्योंकि 1 1 दो बार है, तो 36/6, यानी कि ये एक्स रैंडम वेरिएबल है, ये प्रूव करता है, ठीक, और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही बनी हुई है, ये भी ये बताता है, ठीक। तो अब इसके आगे एक्सपेक्टेशन पूछा है बेटा, तो एक्सपेक्टेशन ई एक्स तो क्या होगा, एक्स आई इंटू सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई, मतलब 2/36 +3 कितना 2/36, और ये सारा कैलकुलेट होके आ जाएगा आपके पास, और ये इसका कैलकुलेशन किसमें दे रखा है,
एग्जांपल में दे रखा है वो देख लेना, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम ई एक्स एग्जांपल में देख के, ठीक है, कैलकुलेशन करना है ठीक। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा ये एक्सपेक्टेशन का कैलकुलेशन तो एग्जांपल में दे रखा है, ये कैसे टेबल कैसे बननी है इसको बनाने का थोड़ा मैंने सिस्टम समझाया है ठीक, उधर और इधर दोनों तरफ ठीक। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे किसका, एक्सपेक्टेशन के बाद में अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है क्या, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो एक्स आई हमारे पास ये है, तो यहाँ पे आपको तुरंत ही आप एक काम करोगे कि आप एक और टेबल बना लोगे जिसमें क्या होगा एक्स आई का स्क्वायर। तो एक्स आई ये है बेटा, तो एक्स आई का स्क्वायर क्या होगा 4, ये हो गया 9, ये 16, ये 25, एक्स आई 5 है, ये 25, ये 36, 49, 64 एक्स आई का स्क्वायर ठीक, 81, 100, 121 11 का, और ये 144। अब आपको निकालना होगा क्या एक्स आई स्क्वायर फॉर्मूला वेरियंस का क्या होता है, वेरियंस एक्स इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई ठीक है, इसका सिग्मा माइनस एक्स आई इंटू पी आई, जो एक्सपेक्टेशन आपने निकाल लिया होगा, जो एक्सपेक्टेशन एग्जांपल में कैलकुलेट करके दे रखा है उसका क्या करना है आपको स्क्वायर ठीक है। तो अब आपको ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई ये कैलकुलेट करना है, तो इसमें आप इनका मल्टीप्लाई करते जाओगे ठीक है। तो ये 4 इंटू 1 अपॉन 36, 4 इंटू 1 अपॉन 36, और ये कितना आ जाएगा 9 इंटू, ये नीचे वाले पन्ने एक्स आई नीचे आ गया एक्स आई का स्क्वायर, तो 9 इंटू 2 यानी कि 18 अपॉन 36 ठीक है। वापस में ऐसा नहीं क्या कहते हैं 1 अपॉन 2 कर दो, फिर डिनोमेटर डिफरेंट हो जाएगा, फिर 3 के लिए 48, 16 इंटू 3 48 अपॉन 36 प्लस 4 के लिए 100 अपॉन 36, ये 36 इंटू 5 180 हो जाएगा, 180 सब के नीचे 36 है, 180 अपॉन 36 प्लस ये कहाँ तक पहुँच गए हम, ये पहुँच गए 180 किसके लिए आए, ये है ये 36 के, ये 36 इसके लिए ठीक है। अब ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 49 इंटू 7 होगा 49 इंटू 7 294, 49 इंटू 7 सॉरी 49 इंटू 6 ठीक है ठीक 294 अपॉन 36, 49 इंटू क्या हो गया ये 7। अब ये 64 इंटू 8 320, 64 इंटू 5 ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये देखो ये ऐसे ठीक है, 64 इंटू 5 320 हो जाएगा, 64 इंटू 5 320 अपॉन 36 ये 64 इंटू 5, अब 81 ये हो जाएगा 324 अपॉन 36, 81 इंटू 4 हो जाएगा 324 अपॉन कितना 36। अब ये तो 100 इंटू 3 300 अपॉन 36 ठीक है, 121 इंटू 2 यानी कि 242 अपॉन 36 प्लस ये 141 इंटू 144 ये इंटू कर रहा है ये 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 कितना हुआ 144 अपॉन 36। ये सारे डोनेटर 36 हैं, ये इसको 4 अपॉन 136, 4 इंटू है तो 4 अपॉन 36, इन सबको आपको क्या करना है सम करना है ठीक है। तो इन सबका सम करके
अब ये थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, तो ये इसकी जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर रख दोगे एक्स आई इंटू पी आई का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दोगे वेरियंस आ जाएगा, और वेरियंस का रूट लेते ही स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए एकदम पक्का, ठीक। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो है ये 12, क्वेश्चन नंबर 12 सेम पेज पे ऊपर नीचे है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन पेज 571 क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन 571 पेज पे, टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर, सिक्स फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। लेट एक्स डिनोट, एक्स डिनोट द लार्जर नंबर ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन, दो नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं उसमें बड़ा नंबर क्या होगा, ठीक। इस बड़ा नंबर जो होगा उसी वही रैंडम वेरिएबल है, यानी कि हमने 3 और 5 दो नंबर सेलेक्ट किए तो इसमें बड़ा नंबर 5 है, तो एक्स की वैल्यू रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो अब पूछा गया क्या कहते हैं, एक्स डिनोट द लार्जर नंबर ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ई एक्स, एक्सपेक्टेशन पूछा है इसमें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बड़ा नंबर लार्जर नंबर एक्स, एक्स क्या है, एक्स है लार्जर नंबर, तो ये लार्जर नंबर की जो जहां तक बात है तो लार्जर नंबर देखो वन तो कभी लार्जर नंबर हो नहीं सकता, दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, जैसे जैसे आप ऐसे समझ लो कि एक प्लेइंग कार्ड रखे हुए, एक वन, एक पे वन है, एक पे टू है, एक पे थ्री है, एक पे फोर है, एक पे फाइव है, आपने एक सेलेक्ट कर लिया उसको वापस किया नहीं आपने, मान लो वन आ गया आपका ये, तो दूसरा आप खींचोगे ये तो वन आ गया, दूसरा तो वन आ नहीं सकता, दूसरा टू आएगा, थ्री आएगा, यानी कि लार्जर नंबर कभी वन नहीं हो सकता, लेकिन लार्जर नंबर टू हो सकता है, टू हो सकता है, लेकिन टू कैसे हो सकता है, देखो फर्स्ट जो आपने कार्ड खींचा उस पर तो वन आ जाए, ध्यान दो फर्स्ट कार्ड पे, और सेकंड कार्ड पे क्या आ जाए, सॉरी फर्स्ट कार्ड पे क्या आ जाए, फर्स्ट कार्ड पे टू आ जाए और सेकंड पे वन आ जाए तब भी, या फिर ऐसे भी आ सकता है क्या, फर्स्ट पे वन और सेकंड पे टू, यानी कि इसके कितने तरीके हो गए, दो, एक तरीका है उसका रिवर्स वाला तरीका भी होगा, ठीक है, जैसे टू वन तो वन टू, तो इसका दो तरीके हो गए। अब सैंपल, इसमें सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ध्यान दो, सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस होगा इसमें 30, क्या होगा, क्योंकि देखो पहला वाला कार्ड हमारे खींचने के कितने तरीके हैं, पहला वाला कार्ड हमें 6 तरीके हैं उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड एंड फिर हमें दूसरा कार्ड भी सेलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अब क्या होगा 5, दूसरा कार्ड कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 तरीके से, ठीक है, 6 एंड 5, पहला काम 6 डिफरेंट वेज से, दूसरा 5 डिफरेंट वेज से, तो ये कितना हो गया, एंड के लिए क्या करेंगे हम इनटू कर देंगे, तो ये 30 आ जाएगा, 6 into 5 इक्वल टू कितना 30, तो यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा 30, 30 को समझो जैसे कि देखो वही डाइस वाला करते थे तो डाइस में 1-1 भी आता था, लेकिन इसमें 1-1 नहीं आएगा क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा ना, 1-1 नहीं आएगा, 2-2 नहीं आएगा, 3-3 नहीं आएगा, 4-4 नहीं आएगा, यानी कि 6 तरीके कम हो जाएंगे इसमें, 36 के डाई टू दो डाई के थ्रू में कितना था 36, उसमें से 6 तरीके निकल जाएंगे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, तो 30 रह जाएंगे, तो सैंपल स्पेस पर क्या ना हो जाएगा 30, ठीक है। अब 3 के लिए, 3 के लिए देखो 3-2, 3-1, इसमें भी 3 बढ़ा है, इसमें भी 3 बढ़ा है, 3-2 का रिवर्स, 3-2 का रिवर्स 2-3, और 1-3 का रिवर्स 1-3, 3-1 का रिवर्स 1-3, ये कुल मिला के 4 तरीके हो गए, ये 3-2, 3-1, 3-2 के लिए 2-3 और 3-1 के लिए 1-3 एक रिवर्स तरीका है, तो ये कुल मिला के 4 तरीके, यानी कि पहला कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें 3 आ जाए, दूसरे कार्ड पे 2 आ जाए, या पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, ये तरीके हैं इसमें, इसमें लार्जर नंबर 3 है, तो इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी 4/30, क्योंकि इसके लिए 4 तरीके हैं। इसी तरह से 4 के लिए हमने एक ही वो लिखे हैं, रिवर्स वाले नहीं लिखे, तो देखो 4-3 आ जाए तभी बड़ा हो सकता है, 4-2 आ जाए तभी बड़ा हो सकता है, 4-1 आ जाए तभी बड़ा हो सकता है, 3 तरीके जो है 3 इसके रिवर्स वाले, यानी कि 6/30
इसी तरह से 5 के लिए 8/30 और ये 6 के लिए 10/30। इनका सम करके देखते हैं, तो ये देखो 10 प्लस 10 30, ठीक है, 30/30 यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी एकदम सही है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, केवल एक्सपेक्टेशन। तो केवल एक्सपेक्टेशन में बेटा ई एक्स इक्वल टू कितना, एक्स आई इंटू, अब इसमें एक्स आई बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल एक्सपेक्टेशन पूछा है, तो एक्स आई कितना है, 2 × 2/30 प्लस 3 × 4/30, 4/30 प्लस 4 × 6/30, 30 प्लस 5 × 8/30 प्लस 6 × 10/30 जो कितना हो गया 2 × 2 = 4/30, 4 अब डिनोमिनेटर सब में 30 है तो 4, और ये कितना प्लस 12 प्लस 24 प्लस कितना हुआ ये 40, 5 × 2 = 8, 40 प्लस 6 × 10 कितना हुआ 6 × 10 = 60, 60 प्लस 40 100 प्लस 24 और ये 36 प्लस 4 = 40 यानी कि 140/30 यानी कि 140/30 आ गया, तो एक्सपेक्टेशन आ गया 14/3 इसके लिए, ठीक। ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वाला कैलकुलेशन मैंने कर दिया, इसके बाद में प्लस करना है आपको, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, और एक्स आई पी एक्स आई कैलकुलेटेड है एग्जाम्पल में और ये डिटेल, ये वाले जो सिस्टम है इसको भी डिटेल में दे रखा है, लेकिन ये बनता कैसे है ये मैंने आपको बताया, ये समझाया है, इसको समझ जाओ, बाकी ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें अब ये लास्ट टॉपिक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, जैसे कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, एक बार जैसे कि आपने मिले में निशाने लगाते हैं गुब्बारे में बंदूक लेके, तो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप 5 वो लेते हो निशाने, उसमें से 3 गोली हिट कर देते हो, तो आपका फिर एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में सक्सेस, सिंगल एक्सपेरिमेंट में जो सक्सेस है, जो निशाना लगाना है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5, यानी कि सिंगल एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3/5 हो गई। अब ये प्रीवियस एक्सपीरियंस है, लेकिन अब दोबारा कर रहे हो आप, तो हो सकता है आपको 2 ही बार सक्सेस मिले, 3 बार सक्सेस मिले, 4 बार और 5वीं बार आपका निशाना लग जाए, तो हम उस एक्सपेरिमेंट को मान लो 5 बार कर रहे हैं, तो 5 बार कर रहे हैं, तो 5 टाइम्स करने में हमें 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब इसमें एक्सपेरिमेंट आपने पहली बार निशाना लगा लिया, लेकिन दूसरी बार निशाना लगाना पहली बार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो कैसे, जैसे कि क्या कहते हैं, आप प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड खींचते हो, वो कार्ड आ गया किंग, फिर आपने प्लेइंग कार्ड में उस कार्ड को रिप्लेस कर दिया और दोबारा खींचा, तो दोबारा किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 होगी, यानी कि ये पहली बार जो आपने किया एक्सपेरिमेंट और दोबारा किया, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट पे पहले एक्सपेरिमेंट का कोई असर नहीं, अगर आपने कार्ड रिप्लेस कर दिया, अगर आपने कार्ड रिप्लेस नहीं किया होता तो अब दूसरी बार में किंग आने की प्रोबेबिलिटी, पहला किंग निकल गया, दूसरी बार में किंग आने की प्रोबेबिलिटी हम उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते, वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा, दूसरा वाला इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि अब उसमें क्या होगी, सेकेंड टाइम किंग आने की प्रोबेबिलिटी 3/51, क्योंकि एक किंग पहले निकल चुका है और अब टोटल सैंपल स्पेस भी कितना हो गया, 51 कार्ड्स का हो गया, 52 का नहीं रहा, तो ये ऐसे केस में क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट इवेंट है, तो डिपेंडेंट इवेंट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट में सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटीज का। अगर दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो पहला इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर डिपेंडेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो पहले इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इनटू के बजाय डायरेक्ट उसी की प्रोबेबिलिटी का इनटू करेंगे, तो ये यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, इसको एक एक्सपेरिमेंट को कई बार हम दोहरा रहे हैं, तो हर एक
टाइम वो क्या है, इंडिपेंडेंट है एक्सपेरिमेंट, पुराने एक्सपेरिमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि एक बार डाई को थ्रू कर दिया, दोबारा करोगे तो डाई ये मना थोड़ी कर देगी अभी मैंने सिक्स दिया है मैं सिक्स दूँ ही नहीं, ऐसा तो कहेगी नहीं। ठीक, तो इसी तरह से कॉइन को आपने टॉस कर दिया, हेड आ गया, अब कहेगा हेड आ गया इस बार मैं टिल दूंगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, समझ में आई बात कि नहीं। हाँ, तो दोबारा में भी उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 ही होगी, पहले वाले जो इवेंट में उसने हेड दे दिया है उससे कोई मतलब नहीं होगा। ये ऐसे इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस आउट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे कि आप निशाना लगाने की बात करते हो, निशाना 5 बार मान लो आप निशाना लगा रहे हो, लेकिन 5 बार में से 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो R3 हो गया और N5 हो गया, 5 में से 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, जबकि सिंगल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक इंडिपेंडेंटली एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, P है। यानी कि जैसे एक बार निशाना सही लगने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, 3/5। जैसे कि डाई पे मान लो 6 आना सक्सेस है, तो 6 आने की एक बार एक्सपेरिमेंट करें तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/6 होगी सिंगल एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो एन में से आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी NCERT(P^r), देखो ये आर है, ये प्रोबेबिलिटी सक्सेस सिंगल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर होगा, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉट सक्सेस यानी कि 1 - P। नॉट सक्सेस क्या हो गया, 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी पे ये N - R, ये जो N में से ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को माइनस करें, ये पावर 1 - P पे होगी, ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस साइन है, ये सीधा सीधा P^r। ध्यान रखो फॉर्मूले को। अब इसमें NCR आसान है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा NCR क्या होता है, N^(R) और N - R। ठीक है, ये NCR की वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये आता कैसे थोड़ा समझ लो। जैसे कि एक कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, और हमसे क्या है, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2 हेड आ गए, मतलब हेड हमारा सक्सेस है तो 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको कैसे निकाले, सिंगल सक्सेस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने मान ली कितनी, पी, अभी हम 1/2 ले रहे पी, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - P हो जाएगी। अब ये देखो दो हेड कैसे आ सकते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट, 3, एन की वैल्यू 3 है, लेकिन सक्सेस हमें कितना चाहिए, R2 चाहिए। तो कैसे आ सकता है कि देखो पहले वाले पे हेड आ जाए, फर्स्ट वो आप पहली बार टॉस कर रहे हो उसमें हेड आ जाए, एंड दूसरी बार में हेड आ जाए, एंड तीसरी बार में हेड आ जाए, तीसरी बार में टेल आ जाए। 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये सक्सेस हो गया, ये टेल हो गया फेलियर। और या फिर ऐसे हो सकता है, कैसे, हेड दूसरी बार में टेल आ जाए, एंड सेकंड उस पर टेल एंड हेड, या फिर ऐसे हो सकता है और कैसे हो सकता है, टेल पहले आ जाए पहले पे, एंड सेकंड पे हेड एंड थर्ड पे हेड, तो 2 सक्सेस ऐसे मिल सकते हैं हमें, पहले दोनों हेड या फर्स्ट और थर्ड हेड या सेकंड और थर्ड हेड। ठीक, अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे हम, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, पी है, हेड सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या ले ली हमने, पी, एंड के लिए क्या करेंगे, इनटू, सीधा इनटू करेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं, सीधे इनटू करना है एंड, तो ये कितना एड पी, और ये टेल की प्रोबेबिलिटी 1 - P, और के लिए क्या करेंगे हम, प्लस। ठीक, तो ये पी इंटू 1 - P इंटू टेल के लिए, इंटू हेड के लिए पी, प्लस और के लिए प्लस, एंड के लिए इंटू, ये कितना हो गया पी, सॉरी टी, ये कितना हो गया 1 - P और ये पी पी, यानी कि देखो हर एक टर्म में P² यानी कि P² आ रहा है हर एक टर्म में, और हर एक टर्म में क्या आ रहा है, 1 - P, और ये कितने तीन टर्म है, तो ये तीन टर्म कहाँ से आए हैं तीन टर्म आए हैं किससे, हमारे 3C2 से,
यानी कि इसको तीन बार जोड़ा जा रहा है, यानी कि इसको थ्री सी टू टाइम्स जोड़ा रहा है एक्चुअल में। तो ये हमारी प्रॉबिलिटी क्या आ जाएगी, थ्री सी टू पी की पावर थ्री को थ्री सी टू लिख सकते हैं। चलो पहले इसको हम थ्री, और ये थ्री कहाँ से रहा है, ये आ रहा है थ्री सी टू से पी स्क्वायर और वन माइनस पी का पावर वन। अब ये देखेंगे थ्री, तो ये क्या है, थ्री माइनस टू है यहाँ पे पावर। तो ये इस तरह से, ये हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें डायरेक्ट निकाली थी, डायरेक्ट निकाली थी, लेकिन अब हम उसको क्या कहते हैं दूसरे तरीके से निकाली थी, इससे डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी। थ्री सी टू की वैल्यू रखोगे आप कितना, थ्री फैक्टोरियल और ये टू फैक्टोरियल और थ्री माइनस टू का फैक्टोरियल, तो ये इसकी वैल्यू सीधे सीधे थ्री हो जाएगी। पी की वैल्यू रखोगे कितना, वन बाई टू, यानी कि वन बाई टू की पावर टू, और वन माइनस पी, वन माइनस पी भी वन बाई टू हो जाएगा, वन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू की पावर वन, यानी कि थ्री अपॉन एट। पहले भी दो हेड, जब रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू टू लिया था तो दो हेड, नंबर ऑफ हेड टू की प्रोबेबिलिटी थ्री अपॉन एट आई थी। अब यहाँ से हम थ्री अपॉन एट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में अगर हमें कैलकुलेशन कराया जाता क्या, वन हेड सिंगल सक्सेस, वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ थ्री एक्सपेरिमेंट, तब हम थ्री सी वन और पी की पावर वन, यानी कि ये देखो वन अपॉन टू की पावर वन, और वन माइनस वन अपॉन टू भी हो जाएगा, वन अपॉन टू की पावर थ्री माइनस वन टू। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया, ये भी थ्री अपॉन एट हो जाएगा। ठीक, तो ये बात, ये फॉर्मूला समझ आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस आउट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट इज एन सी आर पी टू दी पावर आर वन माइनस पी टू दी पावर एन माइनस आर। ठीक, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि देखो एन टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और सिंगल सक्सेस की प्रॉबिलिटी ये है, तो ये बी एन पी, बी एन पी, बी एन पी बताता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंटली एन टाइम्स कर रहे हैं और सिंगल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी है। ठीक, तो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस आउट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट इज दिस। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो, तो लास्ट दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले एग्जांपल नंबर 35 ऑन पेज नंबर 580 एनसीईआरटी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग ए टारगेट इज 3/4, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 0.99। मतलब कम से कम एक बार टारगेट हिट हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी मोर देन 0.999 है, यानी कि पी ओवरऑल क्या है, मोर देन 0.99। ठीक है, तो कम से कम एक बार, तो एक ये तो फॉर्मूला है हमारा कि एन टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें से आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एन सी आर पी टू दी पावर आर वन माइनस पी टू दी पावर एन माइनस आर। अब हम ऐसा करते हैं कि हमें कम से कम एक सक्सेस चाहिए, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक भी सक्सेस ना होने की, यानी कि सारे फेलियर, सारे फेलियर मतलब एक भी सक्सेस ना हो। तो एक भी सक्सेस ना हो, इसको अगर हम वन में से माइनस करेंगे तो कम से कम एक सक्सेस हो जाएगा, एक से ज़्यादा सक्सेस भी हो सकता है इसमें, यानी कि जो पूछा गया है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रॉब्लम को यहाँ से शुरू करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, एक भी सक्सेस ना हो, तो नो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो नो सक्सेस के लिए सक्सेस कितना, आर सक्सेस, तो आर इक्वल टू जीरो, तो हम इसको हम पी रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे, और इसमें हम एन सी जीरो, एन सी जीरो, और ये पी की पावर आर पी, अच्छा ये भी कहा है, क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो टारगेट को हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, तो एन सी जीरो
और p यानी कि 3/4 की पावर तो 0 आएगा, और 1/4 यानी कि 1-p कितना हो जाएगा, 1-3/4, 1/4, और 1/4 की पावर, इसकी पावर 0 आएगा, 0 और इसकी पावर आ जाएगा n-0 मतलब n। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, कोई भी सक्सेस नहीं, एक भी सक्सेस नहीं, ठीक है। हम इसको सिंपली p लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, p। तो बेटा 1-p क्या होगा, p, तो 1-p हो जाएगा क्या, एटलीस्ट वन सक्सेस फॉर एटलीस्ट वन सक्सेस, कम से कम एक सक्सेस के लिए क्या होगा, 1-p मींस 1-p कितना हो गया, एन सी जीरो की वैल्यू हो गई 1, और 3/4 की पावर 0 भी 1 हो गया। तो हम ये कहेंगे क्या कि 1-1/4 की पावर n, ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये क्या है, ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.99 होना चाहिए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.99 होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, ग्रेटर देन कर लेते हैं 0.99, ठीक है। अब 1/4 इसको उधर ले जाते हैं, इक्वेशन के साइन के उधर ले जाते हैं, तो 1/4 की पावर n यानी कि 1 की पावर n अपॉन 4 की पावर n यानी कि 1/4 की पावर n, ये उधर जा रहा है, चलो इसको उधर ही लिख लेते हैं, उधर गया, और 1-0.99 जो कितना हो गया, 1-0.99 0.01 हो गया, आगे लिख रहा हूँ मैं इसी के, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट 0.01 इज ग्रेटर देन 1/4 टू द पावर n। अब देखो पॉजिटिव नंबर है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0.01 को 1 के नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 4 की पावर n इधर ले गए, 4 की पावर n इधर ले गए, और ये ग्रेटर, और ये 1/0.01 को ऐसे ले, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.01, इसका मतलब 4 टू द पावर n, अब इसके आगे ये 4 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 100, अगर 4 की पावर n 100 से बड़ा है, कोई चीज 100 से बड़ी है, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि 4 की पावर n इज ग्रेटर देन 64, कोई 100 से बड़ी होगी तो 64 से भी तो बड़ी हो सकती है, 64 क्या है, 4 की पावर है, तो हम इससे कह सकते हैं क्या कि ये 64 है, अब ये देखो 64 है, तो ये 4 की पावर n, 4 की पावर n इज ग्रेटर देन 64 यानी कि 4 की पावर 3, 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, हमने इसको ऐसे ऐसे लिख लिया, देखो ध्यान दो कोई चीज 100 से बड़ी है तो 4 की इससे नेक्स्ट पावर 64 256 होगी, लेकिन 256 तो क्या होता है 100 से बड़ा होता है, तो इसके बजाय इसकी इससे बड़ा तो नंबर लिख नहीं सकते हम, तो यही लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, अब देखो 4 बेस में है, ऊपर पावर है, तो हम इससे कह सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन 3, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, वगैरह वगैरह, लेकिन मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नंबर ऑफ कितने कम से कम ट्रायल करें तो मिनिमम नंबर क्या हो जाएंगे, 4, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4, ठीक। ये अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन पेज 583, क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी डबल है फेल होने के मुकाबले, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। अब आगे हम 6 ट्रायल कर रहे हैं, पहले पुराने ट्रायल से तो हमने ये वो किया, एक्सपीरियंस किया कि इसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फेलियर से ट्वाइस है, तो देखो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ध्यान दो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है पी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1-p है, ठीक। तो अब ये क्या करें, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है, ये डबल है, तो हम इसमें 2 से इनटू करते हैं तो बात बराबर हो गई कि नहीं, दोनों तरफ बराबर। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, p और ये 2-2p यानी कि 2p को उधर लाए, 3p
थ्री पी इक्वल टू टू, तो पी की वैल्यू 2/3 हो गई। अब कह रहे हैं कि एटलीस्ट 4 सक्सेस, तो कम से कम 4 सक्सेस कैसे हो सकते हैं, तो इसके लिए रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 भी एटलीस्ट 4 सक्सेस में 4 भी आ जाएगा, यानी कि या तो हम 4 बार सक्सेस हो रहे हैं या के लिए प्लस साइन आ गया, या 5 टाइम सक्सेस हो जाए या 6 बार सक्सेस हो जाए। 4 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितने में से, 6 में से, NC4 और p की वैल्यू कितनी है 2/3 इसकी पावर 4 और 1/3, 1 माइनस p 1/3 हुआ, इसकी पावर कितना 2 प्लस NC5, जिस NC5 6 है ना, तो n की वैल्यू 6 ले लो, 6C5 2/3 की पावर, 2/3 की पावर 5 होगा और 1/3 की पावर 1, और 6C6 की वैल्यू 1 होगी, 6C6 और ये 2/3 की पावर 6। बाकी को जरा ऊपर देख लो, तो इधर 6C4 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो 6 फैक्टोरियल है वो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसको, और 4 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 13 अपॉन 2 यानी कि 15। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वैल्यू 64 की वैल्यू 15 और ये 2/3 की पावर 4, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 2/3 की पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2/3 की पावर 4 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से देखो 2/3 की पावर 5 है इसमें 6 है, तो 2/3 की पावर 4 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो 15 तो ये आ गया हमारे पास, ठीक 15 ये आने के बाद में, लेकिन ये तो 15 64 और 1/3 और है ना, तो 1/3 है तो ये अपॉन 9 या 3 स्क्वायर कर लो बेटा, ठीक है, और ये 6C5 की वैल्यू 6 होगी, तो 6 और ये देखो 2/4 पावर तो चलेगी, तो एक 2/3 तो ये बच गया और एक 1/3 यानी कि 2/9 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कितना 2/9 प्लस यहाँ पे देखो 6C6 की वैल्यू तो 1 ही होगी, 1 इंटू 3/2 की 4 पावर कॉमन चली गई है, तो ये क्या कहते हैं 4 पावर कॉमन जब चली गई, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4/9 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9 यानी कि 4/9। अब इसको हम देखते हैं, तो ये 2/3 की होल पावर 4 इंटू ये कितना हो गया 15/9, ये 15 + 12 = 27 + 4 = 31 यानी कि 31/9999 को 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर या फिर 9 ही लिख लो, यानी कि 31/9 यही आंसर हो गया, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बेटा। तो ये प्रोबेबिलिटी की पूरी कहानी 11th से लेके 12th में जो भी आपको जरूरत है पूरा का पूरा बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के कंटेंट पूरा है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तब भी आप इसको पढ़ के सब कुछ कर लोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन और ट्राई कर लोगे तो कुछ क्वेश्चन इधर उधर भी आ गया, मान लो NCERT से नहीं है, सबसे ज़्यादा चांस NCERT से आने के हैं, 80% चांसेस NCERT से आने के हैं, और उसमें भी 60% चांसेज हैं कि इसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि क्वेश्चन बाहर भी आ सकता है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लोगे तो उसके बेस पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है तो कर लेना, अभी काफ़ी टाइम है, छुट्टियां हैं आपके पास में, तो आप अब ये तो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, तो एक काम और करना बेटा, जो इसमें सब्सक्राइब वाला बटन होता है ना उसको दबा दो, उसको दबाने के बाद में कुछ दूसरे दोस्तों को बताओ, लाइक करो, ठीक, तो अब ये लेक्चर आपका ख़त्म होता है, तो फिर मैं चलता हूँ, बाय।